अगर तुम कोई प्रिंटर ढूंढ रहे हो ना जो तुम्हारे ऑफिस वर्क के लिए एंड होम वर्क के लिए दोनों के लिए परफेक्ट पड़े, तो यार आज के वीडियो आपको काम आने वाली है। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। यार मेरा नाम है विनीत और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो मैं इस चैनल पे आपको गैजेट एंड टेक के मैं रिव्यूज देता हूँ। ये मेरा दूसरा चैनल है, मेरा पहला चैनल है बॉट द डूड, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा। वो चैनल पे हम ज्यादातर मैन इंटरेस्ट, मैन हेल्थ एंड वुमेन हेल्थ के बारे में हम बात करते हैं, तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर टैप करना। यार आज की वीडियो में मैं आपको एक ऑनेस्ट आंसर देने वाला हूँ ऑन कैनन G2012। यार ये मॉडल को मैं यूज कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 15 महीने से। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ इसमें अच्छा क्या है, क्या अच्छा नहीं है। आगे वीडियो में मैं आपको इसकी प्रिंटिंग की स्पीड भी बताऊंगा कि अगर आपको हो जो थोड़ा फास्ट पेस देखना चाहते हैं तो यार आपको बहुत काम आने वाला है आगे का वीडियो। ठीक है, मैं सब कुछ आपको इन डिटेल बताऊंगा, इंक्लूडिंग इसकी प्राइसिंग को, एक डिस्काउंट चल रहा है मैं वो भी बताऊंगा वीडियो के एंड में, तो ये वीडियो को पूरा देखना। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। Canon Pixma प्रिंटर, आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा उसके मैं सारे फीचर्स, आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। ये इसका आउटपुट है जहाँ से इसका पेपर्स बाहर आएंगे। साथ ही साथ इसकी जो प्रिंटिंग एंड स्कैन की जो ऑप्शन है इसमें आपको जो टाइम स्पीड लगेगा अराउंड 6-7 सेकंड फॉर स्कैनिंग, मल्टीपल आपको आउटपुट से आप वायरलेस कनेक्शन से लैन कनेक्ट कर सकते हो, आपको जितने नंबर ऑफ प्रिंट्स चाहिए प्लस या माइनस कर सकते हो, कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट के लिए अलग ऑप्शन है, एंड ये उसका मेन ट्रे है जहाँ पे पेपर्स का इनपुट होता है। A4 का हाफ पूरा स्लॉट इसके अंदर आराम से एक बार में फिट हो जाता है। चलिए अभी एक इंस्टाग्राम की मेरी जो प्रोफाइल है उसका प्रिंट लेके इसका प्रिंट स्पीड एंड क्वालिटी चेक करते हैं कैसा है। ऑलमोस्ट 17 सेकंड लगाया है इसने कलर प्रिंट देने के लिए। प्रिंट क्वालिटी बहुत बढ़िया लग रही है, मैं जैसे आप देख सकते हो, शायद मेरे कैमरा में इतना अच्छे से नहीं दिखा रहेगा आपको, पर जब मैं इसको देख रहा हूँ मेरे आंखों के सामने प्रिंट क्वालिटी बहुत ही बढ़िया अच्छे से आया है। इसमें जो इंक यूज होता है वो आपके सामने है, ये वाले मॉडल्स। मैं इंक एंड इसके सारे बाइंग डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो देख लिया दोस्तों तुमने ओवरऑल ये कैसा है। अब मैं अगर बात करूँ यार इसकी, अगर मैं रेटिंग देने जाऊँ तो प्रिंटिंग टाइम ऑफ स्पीड जो है उसके लिए 2.53 मैक्स में दूंगा इसको आउट ऑफ 5। कॉस्ट ऑफ इंक टू द रेशियो ऑफ प्रिंटिंग इट डज, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रिंटिंग ये जो दे रहा है यार, मैं कहूंगा मैंने A4 का जो पूरा बंडल आता है ना मैंने वो पूरा यूज किया है, प्लस एक और बंडल हाफ, मतलब डेढ़ बंडल मेरा पूरा आराम से निकल गया, तब जाके तो ब्लैक खत्म होता है, तो प्रिंटिंग के हिसाब से वो ठीक है। ये मैं रिकमेंड करूंगा वो किसी के लिए भी जिसको लाइट ऑफिस वर्क है, हैवी ऑन प्रिंटिंग नहीं है ना, उसके लिए ये परफेक्ट मॉडल है। अगर आप अपने घर पे भी लगाना चाहते हैं, आप घर के हिसाब से आपको चाहिए तो भी ये सही है, ऑल इन वन है, तो आपका स्कैनिंग में इशू नहीं है, फैक्स में इशू नहीं है, आप इसको वाईफाई के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, लैन लगा के डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, तो भाई ओवरऑल कनेक्टिविटी के हिसाब से इसको 5 out of 5। फर्मवेयर अपडेट्स भी इसके इतने जल्दी आते नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो आपको कोई इतना इशू होने वाला है इन टर्म्स ऑफ अपग्रेडेशन। प्राइसिंग के हिसाब से मैं कहूँ तो यार ये मुझे पड़ा था ऑलमोस्ट अराउंड 14,000 rupees जब मैंने लिया था। अभी पर इनका कुछ सेल डिस्काउंट चल रहा है जिसमें आपको ये सेम मॉडल पड़ सकता है 12,000 के आसपास का। इसका मैं पूरा लिंक डाल दूंगा नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एक और चीज है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंटली मैं बोलना चाहूंगा, इस पर ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग नहीं है, मतलब अगर पेपर ऐसे ही डाला आप सोच रहे हो आगे पीछे दोनों होके आ जाए, वो वाला फीचर इसमें नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपका बहुत ही हार्ड कोर ऑफिस वर्क है ना, बहुत ही हार्ड कोर, तो मैं आई वुड सजेस्ट आप G3000 सीरीज ले लेना, मैं नीचे उसका लिंक डाल दूंगा, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। बिकॉज मैं बता रहा हूँ फंडा क्या है, 2000 rupees के लिए कह रहा हूँ ना, मत वो चिंदी बंदी मत करो, 2000 rupees आई नो बहुत वैल्यूबल होते हैं 2000 rupees भी, बट यार अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने वाले ना तो 2000 मत सोचो, आप चुप से चाहिए तो G3000 खरीद लेना, वो अच्छा मॉडल है। मैं नीचे ना आपको डिस्क्रिप्शन में 3 से 4 ऐसे मॉडल डालने वाला हूँ मैं रैंकिंग के हिसाब से जो मुझे बेस्ट लग रहे हैं, आप उनमें से कोई भी मंगा लोगे आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। तो अगर तो यार आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना यार, ऐसे ही मेरे साथ कनेक्टेड रहना। अगर आपको कोई और भी वीडियो के ऊपर टॉपिक चाहिए, कुछ चाहिए आप मैं किस चीज़ के ऊपर रिव्यू दूँ, तो नीचे मुझे कमेंट कर दो, या ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ मुझे फॉलो करके DM कर देना, आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए मैं पक्का बनाऊंगा। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपको बहुत जल्दी ऐसी कोई नई वीडियो के साथ। नीचे वाले बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड साइड में जो आपको दो वीडियोस दिख रहे हैं वो मेरे एक चैनल के हैं, दूसरे जिसमें मैंने और भी वीडियोस डाले हुए हैं गैजेट के, तो जाके चेकआउट करना, उसमें भी मैंने कैनन के प्रिंटर का मैंने वीडियो डाला है, और नीचे कुछ और टेक वीडियोस हैं उसको भी जाके जरूर चेकआउट करना और अपना रिव्यू देना। थैंक यू।